हाउ टू मेक एमीवे बंटाई आउटफिट इन मिनी मिलेशिया। तो भाई यार आज हम लोग अपने करेक्टर को देने वाले हैं एमीवे बंटाई लुक। तो भाई यार वीडियो को पूरा देखना और फुल्ली एंजॉय करना और बताना यार कैसा बना है एमीवे बंटाई, लग रहा है या फिर नहीं। तो भाई सबसे पहले हम लोग थ्रेडिंग लगा लेते हैं और थ्रेडिंग यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोचूंगा एटीट्यूड वाला लगाने का, क्योंकि यार एमीवे बंटाई के जहाँ तक मैंने फोटोज वगैरह देखी है, वीडियोज वगैरह देखी है, बंदा हमेशा एटीट्यूड में रहता है। तो ये एटीट्यूड वाला मेरे को यही सेकंड वाला ही जच रहा है, तो यही रहने देते हैं, कोई और लगाने कोई मतलब है नहीं, कोई और मेरे को उतना कुछ खास नहीं लग रहा। कलर भी भाई ब्लैक ही रहने देते हैं भाई, अभी वो बनता है अभी ब्लैक ही आईब्रो है यार। आंखें लगाते हैं भाई, ये सब आंखें तो मेरे को नहीं लग रहा, फिर भी सारी आंखें एक बार ट्राई कर लेते हैं। एटीट्यूड वाला ये ठीक लग रहा मेरे को, एक आंख और चेक कर लेते हैं, क्योंकि यार एमीवे बंटाई की आंखें थोड़ी छोटी छोटी है ना, तो भाई एटीट्यूड वाली आंखें छोटी छोटी ही रहती है, तो ये सब भी ट्राई कर लेते हैं शायद अच्छा लगे। नहीं मेरे को नहीं लग रहा ये सब, ये तो लड़की वाली आंखें लग रही है, और ये छोटी छोटी आंखें भूत वाली, नहीं ये सब भी मेरे को नहीं जच रहा, ये वाली रहने देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग माउथ लगा लेते हैं, और माउथ भाई हम लोग एटीट्यूड वाला ही लगाएंगे, क्योंकि यार नॉर्मल माउथ लगाने कोई मतलब है नहीं, जब हम लोग एटीट्यूड करेक्टर बना रहे हैं तो भाई यार एटीट्यूड वाला ही तो माउथ लगाना पड़ेगा। ये सब भी एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ शायद अच्छा लगे। ये ठीक थोड़ा ठीक लग रहा है हंसता हुआ, ए लिपस्टिक वगैरह वाला बेकार है यार, चलो हम लोग यही रहने देते हैं, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो अब हम लोग भाई हेयर स्टाइल बनाएंगे एमीवे बंटाई का। तो हेयर स्टाइल आप लोग को पता है, पहले तो अपना बंटाई ब्रदर बाल छोटे छोटे रखता था, लेकिन इस टाइम में प्रेजेंट टाइम में बाल काफ़ी बड़े बड़े, तो हमारे पास तो बड़े बाल वाली आउटफिट मतलब यहाँ पे नहीं है एपिक, तो फिर भी कोशिश करेंगे यहाँ पे कोई तो ऐसा बाल होगा जो थोड़ा सा बड़ा हो, ये मेरे को ठीक लग रहा है। फिर भी नीचे चल के और भी देख लेते हैं शायद इससे बेटर मिल जाए। नहीं अभी भाई उतना बेटर नहीं है मेरे पास, ये सब तो लड़कियों वाले बाल हो गए, और कुछ बाल है, एक बाल है जो कि भाई अभी लॉक पड़ा हुआ है, वो काफ़ी बड़े बड़े बाल है लेकिन यार लॉक पड़ा है, कोई बात नहीं ये वाले हम लोग बाल बना लेते हैं, ये वाले से भी आउटफिट से बन जाएगा। कभी कभी बंटाई ब्रदर पीछे से चोटी टाइप में भी रखता है ना, तो ये वाला शूट करेगा, चलो नीचे ही चलते हैं, नीचे वाला ही बाल रखते हैं। ये सब मेरे को नहीं जच रहा उतना कुछ खास नहीं लग रहा, ये सब कॉमन हेयर स्टाइल लग रहा है, जो कि एमीवे बंटाई का ऐसा लुक बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग भाई यही वाला बाल रखेंगे, और अभी पीछे से भाई यार ये वाला रख लेते हैं, क्योंकि यार एमीवे बंटाई का बाल लंबा है और स्ट्रेट तो नहीं है, थोड़ा सा कर्ली बाल है, तो ये सब तो नहीं जच रहा। ऊपर वाला ऊपर से सेकंड ये ठीक लग रहा है मेरे, लेकिन थोड़ा सा लड़कियों जैसा हो जाता है, ये वाला रहने देते हैं। थर्ड वाला अभी मैं लोग साइड का बाल भी बना देते हैं, कान के पास जो रहते हैं थोड़े बहुत, क्या बोलते हैं खत बोलते हैं क्या, आई डोंट नो मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी हो, तो ये वाला यहाँ पे लंबा रखूंगा। और बियर्ड है ना यार एमीवे बंटाई के पास, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मूछें लगाएंगे, और मूछें मेरे पास बस इतने ही है, तो ये वाला मूछ चाइनीज मूछ नहीं लगाने वाला, ये रहने देते हैं, ये ठीक है। इसके अलावा भाई बियर्ड लगाते हैं, और ये बियर्ड ही सबसे अच्छा बियर्ड है, हल्की दाढ़ी तो है नहीं एमीवे बंटाई की, तो भाई भाई घनी दाढ़ी है, तो ये वाली ही रखते हैं बियर्ड हम लोग। और अभी यार मूछों में मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा रखूँ, ये वाला यही वाला रहने देते हैं, एपिक वाला भी बढ़िया है, रेयर वाला भी ठीक लग रहा है, चलो कोई ना। अभी हम लोग ड्रेस पहनाने वाले हैं, और एमीवे बंटाई का लुक तो आप लोग को पता है यार एकदम स्वैग वाला है, तो भाई टी शर्ट हम लोग के पास अगर स्वैग वाला होगा तो जरूर पहनाएंगे, नहीं तो फिर नॉर्मल पहना देते हैं जो भी हो। ये मेरे को ज़्यादा जच रहा है, ये हाफ वाला ही मैं पहनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर मैंने हाफ टी शर्ट ही देखा है बंटाई भाई के ऊपर, तो यार यहाँ पे ये हाफ वाला ट्राई करते हैं, ये ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है क्या, मैं तो कंफ्यूज हो गया यार कपड़ों में कौन से कपड़े पहनाऊं यार कोई ना चलो यही पहना देते हैं, ये ठीक है। अभी हम लोग पैंट भी पहना देते हैं, और पैंट भी इसी से मिलता जुलता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पैंट थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये सब ब्लैक वाइट वगैरह मेरे को नहीं जच रहा उतना, फिर भी ट्राई कर लेते हैं, जो भी ज़्यादा सूट करेगा वही रहने देंगे। रेड रेड नहीं चूज़ कर रहा, ये नहीं मेरे को ये सब नहीं अच्छा लग रहा, ये थोड़ा सा ये वाला ठीक लग रहा है खाकी कलर का, ऊपर वाला ही रहने देते, ये ज़्यादा अच्छा है, ये वाला ही परफेक्ट लग रहा है मेरे को। अभी हम लोग यहाँ पे भाई ये अंदर गंजी वंजी पहनाने की जरूरत तो है नहीं, अब हम लोग भाई यहाँ पे एक्सेसरीज में चलते हैं, और यहाँ पे कैप लगाऊँ नहीं, एमीवे बंटाई कभी कभी कैप लगाता है, ज़्यादातर मैंने कैप में नहीं देखा है, तो कैप लगाना मैं सोच रहा हूँ नहीं लगाऊं, बाल वगैरह तो ख़राब हो जाएगा ना, फिर बाल रखने कोई मतलब नहीं हो जाएगा बाल सेट करने का। चलो चश्मे लगा देते हैं, और चश्मे एमीवे बंटाई आप लोगों को पता ही है चश्मा कैसे लगाता है एमीवे बंटाई, तो मेरे पास वो वाले गॉगल्स है ये वाला खतरनाक सा, तो भाई यार ये वाले गॉगल्स लगा देते, ये तो भाई हनी सिंह वाला हो गया, लेकिन हनी सिंह वाला थोड़ी लगाएंगे हम लोग, एमीवे बंटाई वाला गॉगल्स मेरे को बस वही एक जमता है, ये भी एमीवे बंटाई पर शूट करता है। बाकी ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है विदाउट ग्लास फ्रेम वाली गॉगल्स ही अच्छी लगती है, और एमीवे बंटाई वही वाली गॉगल्स लगाता भी। अभी ग्लव्स पहना देते हैं, वैसे ग्लव्स तो मैंने कभी देखा नहीं है कि एमीवे बंटाई वाले इधर ग्लव्स भी पहनता है, फिर भी अपन लोग पहना देते हैं, अब दिया गया है ऑप्शन तो भाई यूज़ ज़रूर करेंगे। कौन सा ग्लव ज़्यादा बेटर लग रहा है, कन्फ्यूजन नहीं, पर्पल नहीं, ब्लैक रहने दूँ,
सोचो ब्लैक रहने तो चलो रहने देते हैं। अब यहाँ पे बैचेस वगैरह लगा देते हैं कपड़े के ऊपर, और ये सब बैचेस मेरे को जम नहीं रहा। जैकेट टाइप का कोशिश करूंगा, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर भी और भी नीचे ट्रैक चेक कर लेते हैं, शायद अच्छा लगे। ये नहीं, ये बेकार है। और नीचे और भी है क्या? हाँ और भी है। तो भाई ये भी बेकार है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन कन्फ्यूज़न है। ये वाला नहीं पहनाएंगे, मेरे को ज़्यादा जम रहा है भाई ये वाला ऊपर वाला। हाँ ये एपिक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये वाला रहने देते हैं। और शूज़ वगैरह भी पहना देते हैं, और शूज़ थोड़ा सा स्टाइलिश ट्राई करूँगा या सिंपल ही ट्राई कर लूँ। नहीं स्टाइलिश ट्राई कर लेते हैं, पहले सारे शूज़ एक बार पहना के देख लेता हूँ, जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वही वाला हम लोग रखेंगे। तो भाई ये वाइट और रेड वाला बेकार है कि ठीक लग रहा है थोड़ा सा? आई थिंक यही ठीक लगता है, क्योंकि यार थोड़ा सा बंदा रैपर है तो फैशनेबल शूज़ पहनता है, तो फैशनेबल शूज़ रहने देते हैं। तो भाई यार यहाँ पे हम लोग का एमी वे बंटाई लुक तैयार हो चुका है। तो भाई यार कैसा लग रहा है ये एमी वे बंटाई आउटफिट, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कोई भी बंदा चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो भाई यार अगर आपने अभी तक भाई कृष्णा वर्सेस एमी वे बंटाई वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई यार क्या कर रहे हो? मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, फनी वीडियो। भाई आपके राइट स्क्रीन पे ये रहा, टैप करो वीडियो को पूरा देखो। और अगर आप लोग भाई विशु गेमर वर्सेस स्लो पॉइजन 1v1 गेम प्ले जरूर देखना चाहते हो तो यार लेफ्ट वाली वीडियो को टैप करो, वीडियो को पूरा देखो।